हेलो ऑल, वेलकम टू स्टॉक फिक्सर अगेन। आज हम लोग फिर से बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे वाई और चेंज इन वाई के बेसिस पर। साथ ही साथ हम लोग मैक्सपेन पीसीआर और ट्रेंड साइकिल को भी चेक करेंगे। फर्स्ट हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और इसका क्लोजिंग प्राइस को चेक करेंगे जो 21,646.85 पर क्लोज हुआ है आपका 30 जुलाई को। अब ये जुलाई 30 आपका जुलाई मंथ का एक्सपायरी था, तो इस मंथ के एक्सपायरी को छोड़ के अब हम लोग नेक्स्ट वीक जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में वीक का है, उस एक्सपायरी का हम लोग अब डिस्कशन करेंगे जो 6 अगस्त को पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करेंगे। ट्रेडिंग रेंज आपका हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। तो ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करना होता है। इन बिटवीन हम लोगों को सेकेंड हाईएस्ट कॉल भी फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है, कॉल राइटर्स कितने स्ट्रांग या कितने वीक नज़र आ रहे हैं आज के ओवाई के ऊपर। तो चलिए ओवाई कॉल साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा और देखेंगे कि कहाँ पे कितने स्ट्रांग कॉल राइटर्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम लोग इस कॉलम से होकर गुजरे तो हमें दिखेगा कि करीब 5 लाख कॉल राइटर्स आपके 23,000 के स्ट्राइक पर दिखेंगे और यहाँ पे करीब 2,12,000 कॉल राइटर्स का एडिशन भी हुआ है आपके 23,000 पे। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। और दूसरी तरफ देखिए तो करीब 4,39,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है आपका 22,500 पे और एडिशन भी करीब 2 लाख शेयर्स का यहाँ पे हुआ है। तो यह एक सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि आज एक्सपायरी था तो हो सकता है कि दूर दूर का कॉल राइडर्स ने दूर दूर तक अपना पोजीशन बना रखा हो, तो क्लियर व्यू के लिए हमें क्लियर व्यू ऑप्शन चेन पे एक्चुअली कल आएगा इसके बारे में। फिलहाल के लिए हम लोग मान के चलते हैं ये रेसिस्टेंस हाईएस्ट है, ये सेकेंड हाईएस्ट है। और हम लोग इमीडिएट रेसिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 22,000 पे इमीडिएट रेसिस्टेंस मिलेगा हमें, जो आपका एडिशन भी देखने को मिलेगा करीब 2.5 लाख शेयर्स का और टोटल आपका शेयर्स ओपन है यहाँ पे करीब 3.5 लाख शेयर्स। तो ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस है 22,000 के ऊपर। तो ये तीन रेसिस्टेंस, तीन लेवल आपके बहुत ही अहम लेवल है, ध्यान रखें। अब आइए पुट साइड में देखते हैं कि क्या है इधर। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 21,000 है आपका हाईएस्ट सपोर्ट है यहाँ पे, करीब 3,24,000 का शेयर्स यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन भी करीब 2 लाख शेयर्स का है 21,000 पे, ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें करीब 2 लाख का शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 22,500 पे। तो देखिए इस लेवल को पुट राइटर्स इतने आसानी से छोड़ने वाले नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे करीब 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, एडिशन भी करीब 50,000 शेयर्स का हुआ है यहाँ पे। तो सेकेंड सपोर्ट आपका ये है। थर्ड सपोर्ट की बात करें तो हमें मिलेगा 20,000 पे करीब 1,85,000 शेयर्स विद एडिशन ऑफ 73,000 शेयर्स ऑन 20,000 स्ट्राइक। सो ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट, ये सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट और ये आपका थर्ड हाईएस्ट सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को अगर ये यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है। तो अब हम लोग रेंज की बात करें, कहाँ से कहाँ तक रेंज देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी का। तो रेंज आपको नज़र आएगी 21,000 से लेके 22,000 तक का रेंज नज़र आ रहा है अभी फिलहाल। 21,000 से लेके 22,000 तक का रेंज बैंक निफ्टी का नज़र आ रहा है, और या बोले 21,000 से लेके आपका 22,500 तक का रेंज बैंक निफ्टी का नज़र आ रहा है। और पाइवट लेवल की बात करेंगे तो आज का पाइवट लेवल आपका स्टैंड कर रहा है 21,500 पे, 21,500 आपका पाइवट लेवल है, इसके ऊपर शेयर आपका 22,000 की तरफ जाने का कोशिश करेगा और इसके नीचे अगर गया तो 21,000 और 20,500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपका बैंक निफ्टी। और आइए नेट चेंज की बात करेंगे तो आपको कॉल राइटर्स ह्यूज मिलेंगे
और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो पुट बायर्स मिलेंगे, तो ये सिंपल इंडिकेशन है कि वीकनेस आज भी थी और कल भी रह सकती है मार्केट में। ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बैंक निफ्टी वीकनेस शो कर रहा है, तो मैक्स पेन और पीसीआर और तीन साइकिल भी इसका देखेंगे क्या उस पर चल रहा है। बिफोर मूविंग टू दैट हम लोग मूव करेंगे हम निफ्टी के ऊपर और चेक करेंगे वहाँ पर क्या सिचुएशंस है। तो निफ्टी को देखेंगे तो 11,102 पे इसका क्लोजिंग है 30 जुलाई का, और हम लोग बात कर रहे हैं 6 अगस्त के एक्सपायरी की नाउ। तो अब आप आते हैं कि ट्रेडिंग रेंज की बात करते हैं निफ्टी की। तो ट्रेडिंग रेंज आपकी हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच का रेंज है, और आइए हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे करीब 15 लाख शेयर्स आपको मिलेंगे 11,500 पे, 7 लाख कॉल का आपको यहाँ पे एडिशन भी है। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा अगर ये ऊपर बढ़ता है तो, और थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो यहाँ पे करीब 12 लाख शेयर्स 12,000 स्ट्राइक पे करीब 15 लाख शेयर्स का एडिशन है, और साथ ही साथ यहाँ पे 9 लाख शेयर्स का एडिशन आपको देखने को मिलेगा 12,000 पे। लेकिन इस रेसिस्टेंस को अभी हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि ये बहुत दूर है, कल के किसी काम के लिए नहीं है। तो फिलहाल 12,000 को आप छोड़िए, हमारे लिए ये हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा, और सेकंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस हमारा ये होगा 11,300 पे, जहाँ पे करीब 14.5 लाख शेयर्स हैं और एडिशन करीब 7 लाख शेयर्स का यहाँ पे हुआ है। और इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो 12 लाख शेयर्स खड़े हैं आपके 11,200 पे, और करीब 8 लाख शेयर्स का एडिशन भी आज हुआ है। तो ये सब इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस हैं निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है तो ये सब आपको बताएंगे कि ये रेसिस्टेंस हैं और रेसिस्टेंस दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो हाईएस्ट सपोर्ट आपको मिलेगा इस जगह पे, 15 लाख शेयर्स खड़े हैं आपके 11,000 पे, तो ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट है, फॉलोड बाई अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो करीब 10,000 शेयर्स का सपोर्ट दिखेगा 10,800 पे, और एडिशन भी करीब 6 लाख शेयर्स का यहाँ पे हुआ है। और इस जगह पे देखेंगे तो करीब 11,000 पे 8 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है। तो ये आपका हाईएस्ट सपोर्ट, ये सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे अगर तो यहाँ पे करीब 10 लाख शेयर्स का एडिशन है, यहाँ भी देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट 10 लाख शेयर्स का, और एडिशन करीब 3 लाख शेयर्स का यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा जो है आपका 11,100 पे। और अगर हम लोग ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे तो ट्रेडिंग रेंज अभी फिलहाल 11,000 से लेके 11,300 की ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल रही है, और पाइवट लेवल आपका 11,100 है। पाइवट लेवल फिलहाल नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो वो एक वीकनेस शो करता है इसमें निफ्टी में, और साथ ही साथ आइए नेट चेंज की को भी देखें हम लोग। तो आपको ये रेड नज़र आएगा और ये इंडिकेट करता है कि कॉल राइटर्स यहाँ पे थे हावी, और ये आपका ग्रीन नज़र आएगा जो इंडिकेट करता है यहाँ पुट बायर्स थे। तो दोनों ही वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, पाइवट लेवल का शिफ्ट होना डाउन की तरफ वो भी वीकनेस शो कर रहा है, कॉल राइटर्स का मजबूत होना वीकनेस शो कर रहा है, और पुट राइटर्स का यहाँ थोड़ा वीक होना भी वीकनेस शो कर रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी भी आपका वीक नज़र आ रहा है थोड़ा सा, और ऑल डिपेंड करता है इसके पाइवट लेवल पे। तो आइए इसका मैक्स पेन और पीसीआर चेक करेंगे, निफ्टी का मैक्स पेन और पीसीआर चेक करेंगे और ट्रेंड साइकिल चेक करेंगे। उसके लिए हमें अपने ब्लॉग पे जाना होगा जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आ गए ब्लॉक के ऊपर अपने, और देखेंगे कि मैक्स पेन अगर देखें तो आपका प्रीवियस 22,100 पे है और आज थोड़ा सा नीचे गया है, 22,000 पे गया है। हालांकि ये मैक्स पेन ऊपर है, जहाँ क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का उससे ऊपर है, तो वो थोड़ा सा बुलिश शो करता है। और अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जहाँ पे है क्लोजिंग उसी का ही मैक्स पेन है, तो ये कोई शिफ्ट नहीं हुआ इसमें, तो यहाँ से कोई खास इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो देखेंगे कि बैंक निफ्टी तो भरपूर शॉर्ट
वीकनेस शो कर रहा है और निफ्टी ने भी कल दो दिन से वीकनेस शो किया है, तो ट्रेन साइकिल पे भी ये वीक नज़र आ रहे हैं और आपके UI पे भी वीक नज़र आ रहे हैं। तो इस लेवल पे भी आपको थोड़ा कॉशस रहना पड़ेगा, लॉन्ग आपको नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी राइज हो रहा है उसको सेल के लिए यूज कर रहे हैं आपके कॉल राइटर्स, तो वहाँ पे आपको एक बार कॉशस रहना पड़ेगा हायर लेवल पे। और ये आपका ओवरऑल एनालिसिस था बैंक निफ्टी और निफ्टी का। आशा है कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच।